हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री जो प्रैक्टिकल नोटबुक है क्लास 12 का, केमिकल काइनेटिक्स का जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके बीच में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन चेक करने वाले हैं सोडियम थायोसल्फेट एंड HCl के बीच में। तो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया गया है। तो इसमें हमें एम देखने को मिल रहा है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम शुरू करते हैं तो उसका जो एम होता है उसी से हमें पता चल जाता है कि एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है और हम लोग एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो एम है, यही एम आपको सिर्फ पेपर है या फिर कोई भी अगर एग्ज़ाम होगा आपका प्रैक्टिकल का, तो उसके अंदर सिर्फ आपको एम दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे केमिकल काइनेटिक्स से या फिर कोई और एक्सपेरिमेंट हमें मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में वो आंसर आने लगेगा और आपका जो प्रैक्टिकल है वो अच्छे से परफॉर्म होगा। उसके बाद थ्योरी इसका हमें दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन किसको पर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, एंड जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो काइनेटिक एनर्जी है वैसे रिएक्शन है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। यानी क्या होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो और इसके अंदर जो केमिकल यूज हुए हैं वो है 0.1 मोलार सोडियम थायोसल्फेट और 1 मोलर HCl डिस्टिल वाटर। ठीक है, और इसको परफॉर्म किस तरह से किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा अच्छे से एक डायग्राम शो किया गया है। यहाँ पे आप बर्नर देख सकते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड देख सकते हैं, ठीक है, ये वायर गॉज होता है, ठीक है, और ये होता है कोनिकल फ्लास्क। तो इसके अंदर हमने क्या डाला है, Na2S2O3, और उसके अंदर डाला है HCl, यानी हम लोग ने इसके अंदर HCl और सोडियम थायोसल्फेट दोनों डाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या किया है, इसको हीट किया है। हीट करने के बाद हम लोग ने इसको एक क्रॉस मार्क टेबल पे बनाया है, बुक पे बनाया है, उसके बाद हम लोग ने उसके ऊपर रखा है और हमने ये देखा है कि वो पूरी तरह से डिजोल्व होता है या रिएक्शन किस तरह से होता है, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोसीजर हमें लिख के दिया है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हमें सॉल्यूशन लेना है, पहले हमें कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेना है, उसके बाद क्या करना है, बर्नर कब ऑन करना है, उसके बाद कितने देर हमें हीट करना है, कितने डिग्री पे हीट करना है और किस तरह से हमें हीट करना है और कैसे हमें नोट करना है टेम्परेचर हो गया या फिर उसका जो भी चीज़ हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, सब चीज़ हमें किस तरह से नोट करना है, यहाँ पर आपको प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप लिख के दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने उसका ऑब्जर्वेशन टेबल लिखा है कि जो वॉल्यूम होता है 0.1 मोलार Na2S2O3 50 ml के लिए और HCl होता है 2 ml के लिए। तो हम लोग ने अगर वो दोनों ऐड किया 50 और 2 तो हमें उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर और उसके अकॉर्डिंग हमें कितना टाइम लगेगा और जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा यहाँ पर हमने लिखा है। तो सबसे पहला जो हमारा इनिशियल रीडिंग था वो था 25, ठीक है, और उसके लिए हमारा कितना टाइम लगा, 75 सेकेंड, और उसका जो आंसर आया वो कितना आया, 0.013। उसके और उसके बाद आपको क्या करना है, सब में आपको 10, 20, 30, 40, यानी 10-10 के डिफरेंस से आपको सब में बढ़ाते जाना है। ठीक है, पहले मैं 25 + 10, उसके बाद 25 + 20, 25 + 30 एंड 25 + 40। तो ये आपको क्या करना है, टेम्परेचर राइज करना है, ठीक है, 10-10 डिग्री, और उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि उसके लिए रिएक्शन होने में कितना टाइम लगता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे जो रिएक्शन है वो फास्ट होता जाएगा और टाइम भी आपको कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द Na2S2O3 एंड द HCl इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद ये रहा हमारा ग्राफ। तो ग्राफ हमारा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये क्या हो रहा है, एक्स से वाई की तरफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है टेम्परेचर वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद है MCQ, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने सबका आंसर यहाँ पे मार्क करके दिया है। तो ये क्यों डिपेंड होता है, यहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर होता है डिपेंड, उसके बाद इसका है फर्स्ट रिएक्शन एंड देन डिक्रीजेस, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो पहले इंक्रीज होगा उसके बाद जैसे जैसे आप टेम्परेचर वापस लो होते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वो डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीशीज इंक्रीजेज, तो इस तरह से जो तीनों MCQ है उसका आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है मार्क करके। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो इन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू डू द एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो थर्मोस्टेट अवेलेबल इन योर लेबोरेटरी। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि थर्मोस्टेट होता क्या है एक्चुअली। तो थर्मोस्टेट का इस्तेमाल हम लोग इसके लिए करते हैं ताकि जो सॉल्यूशन है हम लोग हीट कर सकें डायरेक्ट, उसके लिए हमें बर्नर की आवश्यकता ना हो और बर्नर का यूज़ ना करना पड़े हमें। उसके अंदर सिर्फ आप क्या करोगे, जो भी आपका टेस्ट ट्यूब है या फिर जो भी आपका जिसमें आप सॉल्यूशन लेते हो उसको आप डायरेक्ट थर्मोस्टेट में रखोगे और वो एक तरह का मैकेनिकल होता है। और आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसके अंदर जैसे ओवन होता है, ओवन में आप कैसे टेम्परेचर सेट करते हो वैसे ही उसमें आपको टेम्परेचर सेट करना होता है और आपको थर्मामीटर डाल के चेक करना होता है कि जो टेम्परेचर है हमारा वो 10 डिग्री राइज हुआ या 20 डिग्री राइज हुआ। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन अगर आपके लेबोरेटरी में अगर थर्मोस्टेट नहीं है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो आप क्या करोगे, उसका वाटर बाथ का यूज़ करोगे, क्योंकि जो फ्लेम होता है, जो बर्नर होता है, उसका जो हीट होता है अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री होता है। तो आप उतना डिग्री तो आपको चाहिए नहीं, तो आप क्या करोगे, हीट करके उसको वाटर बाथ पे लाओगे और वाटर बाथ से आप टेम्परेचर चेक करोगे जो थर्मामीटर डाल के, और उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। सेकेंड है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, एक्सप्लेन वाई। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है साथ में रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज होता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो क्या होता है, डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। इसके लिए जो रेट रिएक्शन है वो क्या होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। थर्ड है, व्हाट विल हैपन व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इंक्रीज। अगर जो काइनेटिक एनर्जी है अगर वो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट होकर अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा जो रिएक्ट होगा और अगर वो इंक्रीज होता है तो जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है, हाउ डज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वेरी विद द टाइम टेम्परेचर, ठीक है। तो द रेट कांस्टेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर गोज ऑन लॉस द रेट ऑफ इंक्रीजिंग फॉल ऑन द क्वाइट रैपिडली एट द हाई टेम्परेचर। तो और उसके बाद जो फिफ्थ वन है, व्हाई डज द सोडियम थायोसल्फेट गिव द कोलोइडल प्रेसिपिटेट ऑन द रिएक्शन विद HCl। तो हमें कोलोइडल प्रेसिपिटेट क्यों मिलता है, क्योंकि जो सोडियम थायोसल्फेट है वो अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें हमें एक तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और सल्फर एंड वाटर मिलेगा। इसके लिए हम क्या होता है, वहाँ पे एक कोलोइडल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और साथ में ही अगर कुछ और डाउट रहेगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।